सर नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विशाल शर्मा आप सभी को दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 4 मार्च से 10 मार्च का साप्ताहिक राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, पूर्ण रूप से जाने की वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ से सब्सक्राइब कर दीजिए। ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। जब भी अपना राशिफल देखे लग्न राशि से ना देखे, चंद्र राशि से देखिएगा तभी वहां पे घटित होगा, तभी वहां पे फलीभूत होगा। चंद्रमा की युति की बात करें तो वृश्चिक राशि धनु राशि मकर राशि पर रहने वाली है। तो जब भी आप देखेंगे कि भैया जो चंद्रमा जब प्रथम स्थान पे आ जाता है यानी कि लग्न में आ गया, वृश्चिक राशि लग्न में और वहां पर चंद्रमा आ गए, तो आप देखेंगे मान सम्मान पद कद आपका बढ़ सकता है, नए पॉलिटिकल कनेक्शन नए उच्च अधिकारियों से आपके कनेक्शन बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो बहुत समय से आपका रहता है ना भैया कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं मिल नहीं रहा हूँ, मैं बिजी हूँ बहुत ज्यादा, मैं मिल नहीं सकता, टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आप बिल्कुल खाली पीली बैठे रहते थे कई बार, तो ऐसा नहीं होगा। इस समय हर इंसान से आप मिलते हुए नजर आएंगे, नए कनेक्शन बन रहे हैं, नए लोगों से आप मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नए दोस्त यार बन सकते हैं आपके। इस समय हर जगह से पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ से आप लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मदद भी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, नए कनेक्शन बनाएंगे, पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्य भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेहनत स्ट्रगल कर रहे थे कभी कभी वो कार्य अटक जाता था, वो इस सप्ताह में नहीं अटकेगा, कार्य अच्छे तरीके से करेंगे, फोकस लगा के मन लगा के करेंगे, अपनी मन मर्जी से करेंगे जो कि हमेशा से आप करते आते हैं। भैया अपनी मन मर्जी चलनी चाहिए, जब मेरा मूड होगा, जब मेरा मन होगा, मेरे अनुसार कार्य होगा तब मैं करूंगा, तो वो चीजें सप्ताह में आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, जहां से भी आप पैसा लगाना चाहते हैं आप इस सप्ताह में लगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा इस समय मिलेगा। हर तरीके से भाग्य आपका साथ दे रहा है, कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी निर्णय हो, लाइफ का डिसीजन कोई भी लेना चाहते हो आप उसमें ले सकते हैं। संतान के लिए भी कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, उनके मकान के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके विवाह के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। लव लाइफ के लिए ये समय बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस समय भैया नया पार्टनर भी आपको मिल सकता है, जिन लोगों का पार्टनर अभी तक नहीं मिला उन्हें नया पार्टनर मिल सकता है, और जिन लोगों को पार्टनर मिल गया है उनके लिए रोमांटिक यात्रा होगी, छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं। संतान के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है, संतान आपको पढ़ाई से या अपने कार्य से अवश्य रूप से खुश करती हुई नजर आ रही है। माता का साथ उत्तम रहने वाला है, पिता से थोड़े से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो कि हमेशा कभी कभी चलते ही रहते हैं कि वो ये कहते हैं वो कहते हैं आप कहते हैं, जिसमें मुझे कंफर्ट मिलेगा, जिसमें मेरा मन लगेगा मैं वो कार्य करूंगा, पर पिता नहीं समझते, लेकिन इस बार पिता आपके समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और आपका सपोर्ट भी करेंगे। व्यवहारिक परिवार में जो गृह कलेश चल रहा था, जो कुछ लोगों से आपकी खिटपिट चल रही थी, आपके सुख सुविधा को देख के, आपके पास जितना पैसा, आपके पास जितनी गाड़ी, आपके जितना नाम है, उसको देख के जो लग जलते थे, वो लोग भी आज आपके पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। आपकी वाहवाही करते हुए वो थकेंगे नहीं, क्योंकि आप तो हमेशा चाहते हैं लाइफ में और बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इस समय आप लाइफ में इस सप्ताह में बहुत ज्यादा बेहतर आपका इस सप्ताह जाने वाला है। बड़े भाई बहनों से मुलाकात होगी, प्रॉपर्टी को लेकर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इस समय मकान को लेकर छोटा मोटा कार्य भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं, वाहन भी ले सकते हैं। देखिए वाहन का योग बन रहा है, यानी कि वाहन से आप कोई निर्णय ले लेना, उसके बारे में सोच लेना, आप उसका चेक बना के अलग रख देना, ये चीजें होती है। आप देखिए वाहन का योग बन रहा है, तो मैं ये नहीं कि सप्ताह के इसमें भाग आ ही जाएगा आपका वाहन, ऐसा नहीं है। देखिए योग आ रहा है, तो आप निर्णय लेना, सोचना, उसके बारे में सोच भी लेना, ये भी चीजों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से रहने वाला है। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई मशीन वगैरह खरीदना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट समय यह रहने वाला है। सप्ताह में कोई बड़ी मशीन ले सकते हैं, कोई वाहन ले सकते हैं, जो भी लोहा संबंधित शनि से रिलेटिव कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अनुकूल समय रहने वाला है। और जो विदेश में रहते हैं उनके लिए तो वाहवाही होने वाली है, हर तरीके से पैसा उनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, हर तरीके से पैसा उनके पास आ रहा है। ये रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 4 मार्च से आपका 10 मार्च का साप्ताहिक राशिफल इस प्रकार से रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।